Assalamualaikum everyone, welcome to my another vlog. उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे. तो मैं तो गाड़ी व्लॉग वाली बन गई, गाड़ी व्लॉगर बन जाऊंगी. मुझे लग रहा है कि बस क्योंकि मेरा हर व्लॉग गाड़ी से स्टार्ट होता है. टुडे आई एम नॉट वेरी वेल, तो आज बात अली करेगा. हम कहीं जा रहे हैं बट आई डोंट नो कि हम कहाँ जा रहे हैं. बस अली मेरी तबीयत. आज हम जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ठीक है ना. अभी कुछ ही देर लम्हों में वो जगह आ जाएगी और कुछ जगह में एक शॉप है जहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज ही रखा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा. अच्छा. हाँ, और तुम्हारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि ईद पे वो सरप्राइज तो बनता है. अच्छा. हाँ, तो मैंने बोला कि वो वैसे मेरा मूड ये था कि मैं तुम्हें क्या नाम है चांदनाथ पे ही दूँ, बट तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी और तुम्हारा मूड थोड़ा सा अजीब अजीब सा हो रहा था, तो मैंने बोला चलो तुम्हें इसी बहाने बाहर भी लेके चलता हूँ और बाहर चलने के साथ साथ मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज भी दे देता हूँ. सही है. हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं. पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या सरप्राइज है. कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली का बच्चा ही पकड़ा दे मुझे, ये लोग सरप्राइज. तो अभी जा रहे हैं. कुछ गंदा सही सरप्राइज, गंदा सही सरप्राइज है तुम्हारे हाथों के लिए. गंदा सा सरप्राइज है मेरे हाथों के लिए. वैसे मेरे हाथ ऐसे हैं तो नहीं कि उनको गंदा सा सरप्राइज मिला जाए. नहीं, गंदे नहीं है. अच्छे हाथ है. डॉगी पकड़ा दूं? ई नो, नेवर. तो अभी बस पहुंचने वाले अच्छा, तो बस हम पहुंचने वाले हैं क्योंकि हमारे घर से नियरेस्ट ही है. तो जाते हैं, पहुंचते हैं तो आप लोग को अपडेट. गाइस, मैं रैप को लेकर आया हूँ मदीना ज्वेलर्स शॉप नंबर 14 हैदरी में. ये शॉप है और मैं आपको दिखाता हूँ मैं रैप को क्या सरप्राइज दिया है. अब ये रैप एक्स्ट्रा देख रही हैं कड़े, लेकिन मैंने जो सरप्राइज दिया है रैप के हाथों के लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो रैप तुम ज़रा ये पकड़ो, बल्कि मैं ही पकड़ता ताकि मैं तुम्हारी खुशी लोगों को चेक करा सकूँ कि तुम खुश होती हो या नहीं होती. ये देखो, ये मैंने रैप को सरप्राइज दिया. बट मैं इससे कुछ नहीं हूँ, मैं और भी लूंगी दो. चलो तुम ले लो, वो तुम्हारा ईद का सरप्राइज हो जाएगा. हाँ, ठीक है. तो इस शॉप पे ये नदीम भाई होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा डील किया इन्होंने हमें. बहुत अच्छा क्या नाम है, गोल्ड है और आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं. मदीना ज्वेलर्स इनकी शॉप है हैदरी में, शॉप नंबर 14 नदीम भाई. अच्छा, अभी इनके पास डिस्काउंट भी चल रहा है. हाँ नदीम भाई, क्या डिस्काउंट है आपके पास? अच्छा, यानी गोल्ड लें और वो जो बनाना चाहे वो फ्री है जी. भाई ये तो ज़बरदस्त ऑफर है, यानी रैप ईद तक. तो भाई आप लोग फिर जल्दी जल्दी आएँ और अपना गोल्ड लें यहाँ से और जो बनवाना है बनवाएं फौरन, जैसे कि मैं बनवा ली. तो इस मौके से फ़ायदा उठालें. लें भाई ये भी, और क्या चाहिए यार. हाँ, ईद का टाइम है, इसमें लॉस हो जाएगा कोई नदीम भाई. तो वही, ये तो बहुत अच्छी खबर है. तो रैप मुझे अभी पसंद आए हैं ये वाले कड़े, बट ये अच्छे हैं, ये तो ये अच्छा. तो ये देखते हैं गाइस, ये इसको फिर पसंद करके आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है. जब तक के लिए छोटा सा ब्रेक. सो गाइस, मैंने ये सेट लिया है नदीम भाई से, और अगर आप लोग भी चाहते हैं गोल्ड बनवाना, अच्छा गोल्ड बनवाना, तो यहाँ पर आइए. इनकी शॉप है ये, और शॉप नंबर 14 क्योंकि मुझे मदीना कलेक्शन ज्वेलर्स ये खुद से बता रहे हैं. और ये मैंने बाय किया है ये सेट. मुझे कितने का दिया है भाई आपने? ये मैंने दिया आपको 10 लाख रुपये का. 10 लाख रुपये का ये मैंने 10 लाख का सेट लिया अपना. और अगर आप लोग मेरे रेफरेंस से आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलेगा. और ऑलरेडी डिस्काउंट है, मेकिंग फ्री है, नोज प्रेसिंग करवाएं, एयर प्रेसिंग करवाएं, वो भी फ्री है आप लोगों की. तो अपनी ईद अच्छे से मनाएं जैसे कि मैं मना रही हूँ, एंड एंजॉय योर ईद. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टू ब्लेस्ड टू ब्लेस्ड टू ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो. बस दुआ में याद रखा करो अपने शौहर को. बेगम की दुआएं बहुत लगती है शौहर को. हाँ, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है, और बस तुम मुझे ऐसे ही गोल्ड दिलाते रहो.
नहीं यार ऐसी वैसे भाई मैं तो मशवरा दे दूं कि हर जो है ना शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी को गोल्ड दिलाए। अच्छा है ना यार, एक तो पहन भी लेती है, खुश भी हो जाती है, और फिर आई थिंक कोई लॉस भी नहीं है, है बेबो? बिल्कुल लॉस नहीं है। और यार मैं वक्त जरूरत पे आगे चीज काम आती है। मैं बताए वहाँ पे मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी, मतलब मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ, मतलब मैंने सोचा नहीं था, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने सोचा था यार चलो कुछ ऐसे हल्का फुल्का गिफ्ट होगा, बट यार माशाल्लाह 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 यार अल्लाह पाक ने सबको बहुत दिया हुआ होगा, पर मेरे लिए एज अ गिफ्ट 10 लाख इट्स टू मच। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना यार उसके मतलब बहुत मेहनत से कमाता है और उसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। आई एम टू ब्लेस्ड एंड आई एम टू हैप्पी। और मैं दुआ करती हूँ सबके लिए, अल्लाह पाक जितनी भी बहनें हैं शादीशुदा बहनें सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, शादो आबाद रहें, और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत दुआ किया करें। और अल्लाह करे आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे, और इंशाल्लाह और भी व्लॉग आते जाएंगे, पर अभी के ये वाला जो व्लॉग था मतलब मैं हमारी शॉपिंग का भी टाइम आ गया है। हाँ तो अब मैं जा रही हूँ, तो एक ड्रेस एक्सचेंज कराना है, तो मैं वहाँ की तरफ जा रही हूँ। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी या व्लॉग कंटिन्यू करें, व्हाट यू से? आई थिंक अब नेक्स्ट व्लॉग पे इनसे मुलाकात करो, इनके लिए इतनी खुशी बहुत है। क्या कहते हैं आप लोग गाइस, ये आप लोगों के लिए इतनी खुशी बहुत है ना, ज्यादा हजम नहीं हो पाएगी। बोलेंगे हाँ खुशी हमें कौन सी मिल रही है, एक कड़ाव में कौन सा दे रही है ये। नहीं नहीं लेकिन ये लोग तुम्हारी खुशी में तो खुश तो होते ना यार। आई लव यू टू ऑल माई फैंस नहीं फ्रेंड्स कोई नहीं होते, फ्रेंड्स होते हैं जो मुझसे मिलते भी हैं, मैं उनको भी कहती हूँ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया अली को दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय।